अपने कण कण में ज्ञान और आस्था को पल्लवित और पोषित करती मोक्षदायिनी काशी साक्षी बनी एक और महत्वपूर्ण घटना की, जब पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहां एकत्रित हुए राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन में भागीदार बनने। इस सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग के द्वारा किया गया था। राजभाषा विभाग की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय कार्यों में राजभाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से अब तक राजभाषा विभाग विभिन्न माध्यमों के द्वारा राजभाषा का प्रचार प्रसार करता आ रहा है। राजभाषा विभाग का जो मंतव्य है वो है, केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी हमारे PSUs हैं, बैंक हैं, इन सब में हिंदी का बढ़ावा अधिक से अधिक करना, राजभाषा के रूप में हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, यही हमारा मंतव्य है और इसी के ऊपर हम सब काम करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 13 एवं 14 नवंबर को वाराणसी जनपद के पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में किया गया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि वाराणसी की ऐतिहासिक नगरी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हो रहा है। ये अपने तरह का अनूठा सम्मेलन है जो वर्षों से कभी भारत में नहीं हुआ है और इसमें देश भर के हमारे हिंदी प्रेमी जन, विद्वान जन, हमारे माननीय मंत्रीगण, संसद सदस्य और बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। काशी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल हस्तकला संकल को राष्ट्र को समर्पित किया था। काशी की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संजोता ये संकुल विविधता में एकता को साकार करने, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता प्रथम राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन स्थली के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। इस दौरान अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों, मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती, और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए, परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग की है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है, परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों ने तय करना है
कि जब आजादी के 100 साल होंगे भारत कैसा होगा, कहां होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहां होगा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संस्कार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, भारत कहां खड़ा होगा, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प लेने का यह वर्ष है। और 75वें साल से 100 साल तक का काल अमृत काल रहेगा और ये अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम रहेगा। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने दीनदयाल संकुल में पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान कुल 9 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में विद्वानों और युवाओं ने भाग लिया। काशी, चूंकि काशी नगरी साहित्यकारों की नगरी है और यहाँ BHU में भी हिंदी के बहुत ज्ञाता हैं, तो हमने कोशिश की है पहली बार राजभाषा विभाग कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी संख्या में जमा कर सकें और साहित्यिक चर्चा कर सकें सत्रों के माध्यम से। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी, लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी है। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र लम्ही पहुंचे और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने मुंशी जी के आवास और परिसर का भ्रमण किया। निश्चित रूप से जब हम मुंशी प्रेमचंद नाम को ही सुनते हैं तो शुरू से बचपन से ही उनकी कहानियों को, चाहे हम लोगों ने अपने कक्षा की पुस्तकों में पढ़ा हो, पाठ्यक्रम में पढ़ा हो, या बाद में उनके उपन्यासों को एक कथा प्रेमी, एक साहित्य प्रेमी के रूप में पढ़ा हो, हमेशा हमारी संवेदनाओं को छूने का काम मुंशी प्रेमचंद्र जी के साहित्य ने हमेशा किया। इस सम्मेलन के आयोजन से काशी की साहित्यिक परंपरा और भी गौरवान्वित हो गई। राजभाषा भारत सरकार का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसके तहत भारत के सभी विद्वान और हिंदी के प्रेमी, जो लोग पूरा डेलीगेशन यहाँ आया था, ये लोग प्रेमचंद जी की जन्मस्थली पर, उनके स्मारक पर भावांजलि के लिए आए हुए थे। आज के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय मिश्रा जी और उसी परिप्रेक्ष्य में यह भावांजलि का कार्यक्रम मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली पर आयोजित किया गया।